मैंने सुना कि भगवान ने एक बार मर्त्यलोक में चार प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न किया, गधे को, कुत्ते को, मनुष्य को और आदमी को। गधा, कुत्ता, मनुष्य और आदमी, गधा, कुत्ता, बंदर और मनुष्य, चारों को 30-30 साल की उम्र दी। चारों को 30-30 साल की उम्र दी तो गधे ने कहा, रही हमारी 30 साल की उम्र तो बहुत ज़्यादा है, खटना पड़ेगा आदमी के आगे, बड़ी परेशानी होगी, हमारी उम्र कम हो जाए। कुत्ते ने बोला, भाई 30 साल तक आदमी के आगे दुम हिलानी पड़ेगी, ये भी हमारी उम्र ज़्यादा है। और बंदर ने कहा, ये 30 साल तक उछल कूद कौन करता फिरेगा। तीनों भगवान के पास चले गए। अब भगवान से कहा, भगवान हमें इतनी उम्र नहीं चाहिए। उनके पीछे पीछे आदमी भी चला गया। बोले, भगवान हमने हमारे साथ 30 साल की उम्र दी, इन सब के बराबर हमारी बराबरी कर दी, बंदर, गधे, बंद, कुत्ते और बंदर से। अरे हम आदमी हैं, हमारी उम्र तो ज़्यादा होनी चाहिए। अरे 30 साल में तो हम पढ़ेंगे लिखेंगे, ब्याह शादी करेंगे, उसी में पूरा हो जाएगा जीवन का मजा, तो उसके बाद ही होगा ना। तो कहते हैं भगवान ने कहा, ठीक एक काम करो, इन लोगों को ज़्यादा आयु नहीं चाहिए तो मैं इनकी सबकी 20-20 साल की आयु कम कर देता हूँ, इनकी आयु 10-10 साल की, और इन सबकी 20-20 साल की आयु तुम्हारे साथ जोड़ देता हूँ। तो 30 तो उसकी ओरिजिनल आयु थी, 60 साल की आयु 20-20 की और मिल गई, 90 साल की आयु हो गई, और वो जिया। तो 30 साल तो उसने मनुष्य की आयु जी, बाद के 20 साल गधे की, फिर बाद के 20 साल कुत्ते की, और आखिरी 20 साल बंदर की। कैसे सो, सुन लो, 30 साल तक तो मनुष्य मनुष्यता की शान से जीता है, मेहनत करता है, पढ़ता है, लिखता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। 30 साल से 50 साल की उम्र तक गधे की तरह खटता है, बोझा ढोता है वो, अब उसे खटना पड़ता है, बेहिसाब मेहनत करनी पड़ती है, उसकी दशा गधे की तरह होती है। तो वो जिंदगी गधे की हो गई। उसके बाद 20 साल जब वृद्धावस्था की हुई तो उसकी दशा कुत्ते जैसी होती है, घर की रखवाली करना और कोई काम नहीं, घर के पहले कमरे में खाट मिल जाना और कोई काम नहीं, वहीं रहो, सबकी चौकीदारी करो। जैसे कुत्ता जागता है वैसे ही रात भर खांसते खांसते चोरों से अपने घर को बचाओ। तो 20 बरस कुत्तों की मिल गई, और आखिरी 20 बरस बंदरों जैसा मुंह हो जाता है, लटक जाता है, उछल कूद करो। और जैसे बंदरों को उनके बच्चे बहुत परेशान करते हैं, ऐसी आखिरी उम्र में दादा को नाती नतरा परेशान करते हैं, झेलते रहो, यूं ही उम्र पूरी हो जाती है, बचा क्या, बाकी उम्र। ये कथा काल्पनिक है, लेकिन इसके कथ्य को समझने की कोशिश करो कि आखिर हो क्या रहा है, जीवन में पा क्या रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, या यूं ही सब सफाया हो रहा है। अगर नया करो तो जीवन में सार है, ऐसे सफाया हो तो सब बेकार। नया करने का प्रयास करो, अर्थ होना चाहिए, व्यर्थ नहीं। जीवन का अर्थ हो, व्यर्थ नहीं।